जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जी चाइना से बन गया प्रोग्राम पाकिस्तान जाने के लिए। लंदन की सीरीज़ को करते हैं यहाँ पे ख़त्म, तभी दोबारा से एक पाकिस्तान की सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं, तभी जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए। तो चले रहिएगा मेरे साथ, तो चलते हैं अभी शॉपिंग मॉल में, वहाँ पर आपको फिर जाकर। तो काफ़ी हद तक शॉपिंग कम्प्लीट हो गई है, बस एक दो चीज़ रहेंगी एक देख के, फिर उसके बाद घर चलते हैं। हाँ जी, तो फाइनली टाइम आ गया हमारे जाने का, तो अभी जा रहे हैं यहाँ से। तैयारी मुकम्मल हो चुकी है, लाइटें शाइटें भी बंद करने लगे हैं, गाड़ी का वेट कर रहे हैं, बस गाड़ी आती है फिर निकल रहे हैं इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए। और रास्ते में जो भी अपडेट होती है आपको बताते हैं। हाँ, मेरा पता, एक्साइटेड है जाने के लिए? हाँ जी, गर्मी खा जाते। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ी सी खा लेनी चाहिए यार भी। ठीक है, और सामान थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा हो गया, तो देखते हैं कैसे इसको मैनेज करते हैं। मैं अकेला ही हूँ, तो साथ मेरी मिसेज है, काफ़ी ज़्यादा सामान हो गया, ये तीन छोटे तो भी पड़े हुए। तो कोशिश करूँगा इस दफ़ा कोई नाइसी वैली आपके लिए एक्सप्लोर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आप लोगों का बस साथ चाहिए, तो प्लीज़ चैनल की सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया। हाँ जी, तो सामान अभी लोड करने लगे हैं, तो भाई ज़रा हेल्प करने साथ। बेटा छोड़ दो आप, है हाँ जी, तो सामान लोड हो गया गाड़ी में, तो अभी बचा रहे हैं यहाँ से, इस टाइम से यहाँ से इस टाइम से निकले हैं। तो अभी तकरीबन जो हीटर का रास्ता बता रहे हैं वो 1 आवर 30 मिनट्स का बता रहा है। तो वेदर की वजह से ये सेकंड एक्सीडेंट जो ना मिल चुका है रास्ते में हमें, और हमारी फ़्लाइट का टाइम 9:45 था, और बैड वेदर होने की वजह से 7:20 हमें रास्ते में ही हो चुके थे। और बस इधर अल्लाह से एक ही दुआ थी कि कहीं लेट होने की वजह से जो है ना हमारी फ़्लाइट ना कैंसिल हो जाए। आप में से कुछ दोस्तों ने सुना होगा कि लंदन इस साल कुछ इलाकों में काफ़ी ज़्यादा फ्लड आया था, इसी बारिश की वजह से था, काफ़ी इलाके पानी में डूब गए थे। अभी तो बारिश कम है, जब आज ये स्टार्ट हुई थी तब तो ये दो बाई दो बात थी। वेदर वेलो थोड़ा है, और फिर तकरीबन 8:20 पे हम लोग एयरपोर्ट पहुंच गए, और हमारी फ़्लाइट थी 9:45 की। बट थैंक्स टू कोरोना, क्योंकि फ़्लाइट एम्प्टी होने की वजह से, रश ना होने की वजह से हम लोगों को बोर्डिंग मिल गई। और क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट है, तो इस वजह से मैं आगे रिकॉर्ड नहीं कर सकूँगा, तो आगे की रिकॉर्डिंग में अभी आपको जाके प्लेन में दिखाऊँगा। काफ़ी मुश्किलों के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अपनी पाकिस्तान की जर्नी को स्टार्ट कर चुके, और अभी इधर मैं आप लोगों को लंदन के एरियल व्यू दिखाने लगा हूं। तो अगर आपको ये व्यू अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये व्यू कैसे लगे। अरे भाई, ये सीन को देख के वीडियो को एक लाइक तो बनता है ना यार, प्लीज़ लाइक का बटन दबा दो, इतना प्यारा व्यू आपको दिखा दिया मैंने। कोरोना और पाकिस्तान रेड लिस्ट होने की वजह से हम लोगों को 3-3 सीटों का एडवांटेज मिल गया, तकरीबन आधे से ज़्यादा जहाज खाली था। पिछले साल भी 2020 में भी मैंने सेम एरियन पर ट्रैवल किया था, उस टाइम पे तो उन्होंने खाना बिल्कुल ही ठंडा दिया था। अभी देखते हैं कि ये क्या देते हैं। ये सब आपको खाना है, थोड़ा सा गर्म मिल गया, थैंक यू इनका। लास्ट टाइम तो बहुत बुरा हाल हुआ था यार, ठंडे खाने दिए थे, इस दफ़ा चले गर्म राइस मिल गए। ये देखें, चिकन राइस विद वेजिटेबल्स हैं, स्वीट कॉर्न है, स्वीट डेजर्ट भी है, और कुछ उसके साथ
बटर रखे हैं भी ब्रेकफास्ट के लिए, काफ़ी कुछ ना काफ़ी नाइस चीज़ें हैं। और फिर खाना खाने के बाद कनौजी का छा जाना तो बस एक नॉर्मल सी बात ही होती है ना फिर। लंदन टू बहरीन तकरीबन 6.5 घंटे की फ़्लाइट है, और 6.5 घंटे में अगर आप लोग सोना ना चाहते हो तो आपके पास काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं, आप काफ़ी सारी मूवीज़ ड्रामास और म्यूज़िक वगैरह और जो कुछ भी आपका दिल करे आप लोग जो है ना अपना टाइम पास ईजिली पास कर सकते हो। और फिर तकरीबन फ्लाइट लैंडिंग से 1 घंटा पहले जो इन लोगों ने हम लोगों को सर्व किया वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो बहरीन के पास पास पहुँच गए, तो सुबह कितना टाइम लगता है, मुझे लगता है 5-6 का टाइम अभी इधर है ना, सुबह सुबह का टाइम है अभी तक वो देख सकते सामने चाँद भी नजर आ रहा है, सनराइज नहीं हुआ हुआ अभी। हाँ We have now commenced our descent. In preparation for landing, seatbelts, including infant seatbelts, must be fastened. Ensure your cabin baggage is placed under your seat or in the overhead lockers. Your seat is upright, and your handset, footrest, monitor, and tray table are stowed. Electronic devices such as laptops must be switched off, unplugged, and stowed now. Smoking is not permitted, including the use of electronic cigarettes. Thank you. अल्लाह के लाख लाख शुक्र से हम लोग बहरीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं। तो अभी तकरीबन यहाँ पर हमारा है 4 घंटे का स्टे, तो उसके बाद फिर सियालकोट के लिए रवानगी होगी। तो चलें तब तक मैं आप लोगों को यहाँ पे बहरीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सैर करवाता हूँ और दिखाता हूँ कि इन लोगों ने ये नया एयरपोर्ट कैसा बनाया है। हाँ जी, तो इस दफ़ा बहरीन वालों ने काफ़ी बड़ा सरप्राइज़ दे दिया, बिल्कुल ब्रांड न्यू एयरपोर्ट और वेरी वेल मेंटेन। ये भी दुबई और कतर को देख के जो है ना पीछे थोड़ी रह सकते थे, तो इस वजह से काफ़ी वेल मेंटेन आप देख सकती हो। यार मुझे तो बहुत पसंद आ रही है क्योंकि नई चीज़ नहीं ही होती है। क्यों तो ये कैसा लग रहा है आपको ये? कंफ्यूज। अच्छा ये न्यू है ना, है ना? लास्ट ईयर तक तो नहीं था ये। हम वो जगह खा लियो। अच्छा है? मैं देखा, मैं कहा ये नहीं अच्छा होगा, बट कैसा लगा? देख लिया कि अच्छा है। अच्छा लुक्स बड़ी नाइस आ रही है बदर, हम तो शुरमा खाएंगे, तू ये खा गंजे गंजे बर्गर। जा खा मोटिया, सारे रस्से में जा रही, तुमने इस बर्गर के लिए कुछ नहीं खाया है। काफ़ी अच्छा, ये दिसंबर में शुरू हुआ न्यू एयरपोर्ट बहरीन का, मुझे तो बहुत पसंद आया, काफ़ी ज़बरदस्त है। इतना बड़ा भी नहीं है और इतना छोटा भी नहीं है, जैसे दुबई और कतर के वो तो बहुत बड़े हैं ना, तो मतवा जती है बंदे, तो ये नॉर्मल सा, इतना बड़ा भी नहीं कह सकते आपको, इतना छोटा भी नहीं कह सकते, और आपके काम भी सारे हो जाते हैं।
Which flavor you have? We have chocolate, vanilla, and mix. Vanilla. Yeah. Vanilla. Mix. Mix. Okay, mix. You can. What size you want, sir? Medium. We have small and large. Small one. Small. Large. No. Small. Yeah, I will share. No. Because I want to share. This one, the large one. Oh my god. That's what we need. Large mix. One mix platter, one large mix. And what sauce do you have? We will give you tahini. और फिर खाना वगैरह खा के फिर सोचा कि हमसे ना थोड़ी बहुत कुछ शॉपिंग कर लेंगे। You buy, for example, this oil. For example, okay? You buy this one. For each, I will give you card. Five card, yeah. Five card. Each for 800 fils. You scratch like this one, it will be better luck. Okay? Another, you will take 1, 2, 3, 4, 5. For example, you take 5 beats, you will choose. You will scratch it also, you will get. Like, maybe you not get. Up to, about the luck. Depends on the luck. Same gamble, same. और फिर इधर इस भाई ने बड़े ही प्यार से मुझे ये 5 स्क्रैच कार्ड सेल कर दिए, जिनमें से मेरा कुछ भी नहीं निकला। और वो 5 स्क्रैच कार्ड मैंने इसलिए बाय किए थे कि शायद मैं ये गाड़ी जो है ना विन कर जाऊं, पर आपको पता है फिर शायद ही होता है ना। और ये गाड़ी आपको कैसी लगी, इसके लिए तो एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी है ये। और फिर यहाँ पर मुझे एक अरबिक परफ्यूम शॉप नज़र आई, तो फिर सोचा क्यों ना कुछ अरबिक परफ्यूम भी ट्राई किए जाए। एंड इफ यू बाय 2 यू गेट 20% मोर डिस्काउंट। गिव मी लाइक दिस, गिव मी लाइक दिस वन मोर। या बट इज स्टे लॉन्ग और इज गोइंग क्विकली ब्रदर, मोर देन लॉन्ग बिकॉज़ या बिकॉज़ यू नो सम आर गोइंग वेरी क्विक। आई डोंट वांट टू लाइक दिस वन, आई विल टेल यू वन ऑल द टाइम। एग्जैक्टली, आई विल टेल वन good thing about this ingredients, it's made. Okay. Yeah, it's made from the tree. Oh, it's made from nice. Cambodia. This is very nice. फिर जाते जाते एक और स्क्रैच कार्ड लिया और उसके साथ भी कुछ ना हुआ। बेटर लक बट स्टिल योर लक। यहाँ से देखते हैं कोई फ्लाइट की डिटेल। हाँ जी, तो सियालकोट जा रही है। किधर गई, किधर गई है रही सियालकोट की। ग्यारह बज के 25 मिनट पे है सियालकोट की। हाँ जी, तो करते हैं अपनी सियालकोट की जर्नी को स्टार्ट। और सियालकोट जाते हुए जहाज में जो हम लोगों को खाना मिला वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये उससे पिछले वाले से थोड़ा बेहतर था। हाँ जी, तो अल्लाह के लाख लाख शुक्र से हम लोग सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लैंड कर चुके, और मैं अपने रब का जितना भी शुक्र अदा कर सकूँ वो इसके लिए काम है। लो जी, सियालकोट आकर सारी भी शक्ल शुरू हो गई। और ए सी भी नीचे चल रहे थे, ए सी भी नीचे चल रहे।
सियालकोट की गर्मी देख ही सकते हैं आप लोग। हो आते सारी मत बज गई है इधर, सामान रखते रखते। ये मेरी शहजादी देख ले आपने टूर में देखी होगी। अभी मैं तकरीबन पाकिस्तान हर साल लाजमी एक दफ़ा ज़रूर आता हूँ, और जब भी आता हूँ मुझे इतनी खुशी होती है पाकिस्तान आने की कि मैं आप लोगों को बयान नहीं कर सकता। तो अभी मोटरवे से होते हुए हम लोग जा रहे हैं अपने घर सिटी हाउसिंग में, तो चलें आपको यहाँ पे दिखाते हैं कुछ थोड़े से ड्रोन शॉट, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ज़रूर पसंद आएंगे। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चले मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट सीरीज़ में, जिसमें मैं अपना पाकिस्तान का ट्रिप स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ज़रूर अच्छी लगेगी। तो तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।